तो भैया जिस चीज का इंतजार था सभी स्टूडेंट को सदियों से, वो घड़ी आ चुकी है। नई एजुकेशन पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया गया है। अब 10+2 को हटा के 5+3+3+4 इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। ये क्या चीज है वो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। साथ ही साथ एग्जाम्स को कम किया गया है। इसके अलावा इंटर्नशिप शुरू हो जाएगी। इसके अलावा मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसके बारे में मैं बात करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंटली जिस चीज के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं वो ये है दोस्तों कि फ्यूचर में जॉब्स कैसी मिलेंगी, इस एजुकेशन पॉलिसी के बाद एम्प्लॉयमेंट में क्या असर पड़ेगा, बढ़ेगा कम होगा, उन सारी ही चीजों पे बात करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आई मुझे इस वीडियो को लेके। तो आज के इस वीडियो में आसान भाषा में समझते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 को। कैसे आप सब, मैं प्रवीण आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले एजुकेशन पॉलिसी को एक्सप्लेन करूं उससे पहले कहना चाहूंगा कि अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपका दोस्त आपका भाई जब भी वीडियो लेके आए आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चैनल पे कई सारे और वीडियोस जो है बने हुए हैं एजुकेशन से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, ट्यूटोरियल से रिलेटेड, तो उन वीडियोस को भी जाके देखना ना भूले। और जो मेरा दोस्त यहां पे जॉब सर्च कर रहा है, जॉब को तलाश रहा है, तो हमने कंपनी जॉब से नाम से एक सीरीज बनाई हुई है जिससे अलग अलग कंपनी से रिलेटेड जो भी जॉब्स आ रही है वो हम आप लोगों को अपडेट कर रहे हैं। तो प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाइए, कंपनी जॉब सीरीज को देखिए। इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। सो यहां पे जिस एजुकेशन पॉलिसी को हम बार-बार आउटडेटेड कह-कह के मतलब उसको बेकार बोलते थे, अब उसको अपडेट कर दिया गया है। आने वाले 2021 में जो नया सेशन शुरू होगा उसमें इस चीज को लागू करने की पूरी-पूरी संभावनाएं हैं। ऐसे में दोस्तों यहां पे जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है वो है 10+2 को 5+3+3+4 में इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। अब ये है क्या दोस्तों कि यहां पे जब बच्चा स्टूडेंट जो है अपने 8 साल तक होगा, जब वो थर्ड क्लास में आ जाता है, तो उसको फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। जब वो 6th क्लास में आएगा, जब वो 8 से 11 साल का हो जाएगा, तो यहां पे उसको प्री प्राइमरी स्टेज कहा गया है। इसके अलावा यहां पे जब बच्चा 9th क्लास तक होगा उसको प्रेपरेटरी स्टेज कहा गया है। इसके अलावा 9 से लेकर 12th तक जब बच्चा आएगा उसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया है, राइट। अब आप कहेंगे कि यार पहले भी तो 1st, 2nd, 3rd, 4th क्लासेस होती थी, अभी क्या बदलाव है? तो अभी बदलाव दोस्तों सबसे बड़ा यह है कि अब जो एग्जाम्स है वो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि अब 3rd, 5th और 8th में ही एग्जाम्स होंगे, बाकी जगहों पे बाकी सालों पे यहां पे जो स्टूडेंट को असेसमेंट के बेस पे पास कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है दोस्तों कि यहां पे जब बच्चा स्टूडेंट जो है यहां पे प्रेपरेटरी स्टेज पे होगा तब से इंटर्नशिप को यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। इंटर्नशिप का क्या मतलब है भाई, कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, तो यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप किसी कंपनी में इंटर्न लगते हो तो यहां पे आपकी सैलरी तो थोड़ी कम होती है, हम उसको सैलरी भी नहीं कहते, हम उसको स्टाइपेंड कहते हैं। तो यहां पे सैलरी कम होती है बट आप एक्सपीरियंस के लिए उस कंपनी में काम करते हो कि काम होता कैसे है। मैं अपने पुराने वीडियोस में भी कह चुका हूं कि इंटर्नशिप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको अर्ली स्टेज में इंट्रोड्यूस करना चाहिए, और वही चीज को इंक्लूड भी किया गया है कि अब बच्चा जब यहां पे 6th के बाद वो इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट कर सकता है, कंपनीज में जाके काम करके देख सकता है, उसको पूरा पूरा टाइम मिलेगा इस चीज का स्कूल की तरफ से। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में मैं आने वाले समय में डिस्कस भी करूंगा। इसके बाद जो है आपका सेकेंडरी स्टेज में जो है आपका 9th, 10th, 11th, 12th होगा, और ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पे यू नो साइंस वाला स्टूडेंट्स कॉमर्स नहीं कर पाएगा या आर्ट्स वाला स्टूडेंट साइंस नहीं कर पाएगा, अब कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट करने की उसको लिबर्टी मिलेगी। हालांकि ये इतना बड़ा टॉपिक है ना दोस्तों कि हर टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनने चाहिए, तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं अभी कि मैं इन सभी टॉपिक्स पे, जैसे कि आफ्टर 12th न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए क्या मौके रहेंगे, साइंस स्टूडेंट के पास क्या मौके रहेंगे, आर्ट्स स्टूडेंट के पास क्या मौके रहेंगे, फ्यूचर में किस तरीके की एजुकेशन होगी, उन सारी चीजों पर डिटेल में अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा। चैनल पे आप लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम का मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे एक फोल्डर बना दूंगा, उस पे जितने भी वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आएंगे उसमें मैं अपडेट कर दिया करूंगा। सो यहाँ पे जाके आप चेक कर सकते हैं। और अगर आप अभी भी वीडियो को छोड़ के जाने की सोच रहे हैं ना, तो मत जाओ, थोड़ा अपना अटेंशन बढ़ाओ, फोकस बढ़ाओ, बहुत जरूरी है। मैं देखता हूं कि लोगों का फोकस स्पैन बहुत कम हो रहा है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखें, आप ही के फायदे की बात है, राइट। तो यहां पे जो अब अगला हम यहां पे चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो आप लोगों को एक्सप्लेन करेंगे वो है यहां पे मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम, जिससे यहां पे जो कॉलेजेस है उनके स्टूडेंट को एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा और उनके लिए बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएंगी। सो ये जो मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम है दोस्तों वो
वाले स्टूडेंट के लिए है। सो अभी ये है क्या भला, उस पर बात करते हैं। तो अभी तक क्या होता था दोस्तों कि अगर आपकी 3 साल की डिग्री आपने करनी है और आप 2.5 साल में अपने कॉलेज छोड़ देते तो आपको कोई डिग्री नहीं मिलती थी। सही बात है ना, मतलब आपके वो 2.5 साल भी बर्बाद गए क्योंकि एक तरीके से आपके पास कोई प्रूफ नहीं है कि आपने 2.5 साल कॉलेज में अपना सर खपाया है। बट अभी ऐसा नहीं होगा दोस्तों, मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट सिस्टम आने के बाद दोस्तों अगर आप 1 साल कंप्लीट करते हैं और आपको मान लो कुछ और काम करना है या मन नहीं लग रहा उस कोर्स में तो आप छोड़ सकते हैं, आपको उस 1 साल का यहाँ पे सर्टिफिकेशन मिल जाएगा। सो लेट्स से अगर आप 2 साल कर लेते हैं तो आपको 2 साल का यहाँ पे डिप्लोमा मिल जाएगा। अगर आप 3 साल आपको मतलब बहुत डिग्री पसंद आ रही है, आपने कहा नहीं भैया मैं तो पूरा 3 साल करूंगा, पूरी ये पढ़ाई करूंगा, तो आपको यहाँ पे मैं बता दूं डिग्री मिल जाएगी। साथ ही साथ इसके अलावा एक जो बड़ी चीज इसमें निकल के वो ये सामने आ रही है दोस्तों कि आपने मान लो 1 साल किया तो आपको 1 साल का क्रेडिट मिल जाएगा। अब उसके बाद जब आप वही सेम डिग्री में बाद में आते हो, आने वाले समय में आते हो, तो आपको उस 1 साल को रिपीट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जो पॉइंट क्रेडिट मिलेगा आपको 1 साल कंप्लीट करने का वो आपके पास है। इसको आप इस तरीके से ले सकते हो, जिन स्टूडेंट को या जिन लोगों को मेरी बात अभी समझ नहीं आई है मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो आपके पास 500 रुपए हैं, आपने अपनी मेहनत से कमाए हैं, उसको आप बैंक में जाके जमा कराते हो, सो ये आपकी मर्जी है ना, आप उसको कभी भी निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, वो पैसा आपका है। तो वैसे ही दोस्तों जब आप 1 साल करोगे अपना पूरा कोर्स कंप्लीट तो 1 साल में जो अपनी पढ़ाई की है उसके क्रेडिट मिल जाएंगे, 1 साल के क्रेडिट पे आपको सर्टिफिकेशन मिलेगा, 2 साल के क्रेडिट हो गए आपके पास तो आपको यहां पे डिप्लोमा मिल जाएगा, 3 साल का क्रेडिट हो गया तो डिग्री मिल जाएगी, राइट। और इसको आप यहां पे साल का गैप लेके भी कर सकते हो, वो आपकी मर्जी है। तो इससे होगा क्या दोस्तों, इससे स्टूडेंट को फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी, वो अपने हिसाब से चीजों को प्लान कर सकता है। इसके अलावा जो यहां पे ये सेशन 2021 में जो है यहां पे शुरू होगा वो मैं आप लोगों को बता चुका हूं। अब बात करते हैं दोस्तों जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट में क्या फर्क दिखेगा, क्योंकि यार एक बात समझ लो कि जिस पढ़ाई से आपको अच्छी जॉब ना मिले, आप अच्छे पैसे नहीं कमा पा रहे, वो पढ़ाई बेकार है, कोई काम की नहीं है। क्योंकि घर जो है A+B के होल स्क्वायर से नहीं चलता है, घर जो है पैसों से चलता है। एट द एंड अगर आप पैसे नहीं कमा पा रहे तो आपका पढ़ाई करना धूल है। सो अभी मुझे ऐसा लगता है कि इस एजुकेशन पॉलिसी से, क्योंकि स्टूडेंट जो है प्रैक्टिकल लाइफ से इंट्रोड्यूस बहुत जल्दी स्टेजेस में हो जाएगा, सो आने वाले समय में मुझे ये उम्मीद है कि अब किसी स्टूडेंट को अनएम्प्लॉयमेंट की शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी। अब आपके दिमाग में होगा ये कैसे होगा, तो मैं इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ। सो मान लो जैसा कि हमने बताया कि भाई प्रेपरेटरी स्टेज में जब बच्चा 6th क्लास से ऊपर जाएगा, 6th, 7th, 8th अपनी कंप्लीट कर रहा होगा, उस समय से उसको यहाँ पे इंटर्नशिप करने का मौका स्कूल अपनी तरफ से देगी। अब इसका क्या मतलब है दोस्तों कि अगर एक स्टूडेंट जल्दी स्टेज में वो कंपनी में काम करना है, उसको पता लगता है कि ऐसे काम होता है, या वो किसी बिजनेस में नए बिजनेस में जाता है, वो काम सीखता है, तो उसको आने वाले समय में अनएम्प्लॉयमेंट का चेहरा इसलिए नहीं देखना पड़ेगा क्योंकि उसको काम जो है बहुत कम एज से आना शुरू हो चुका है। अगर एक यहाँ पे 6th क्लास का बच्चा कहता है कि नहीं मुझे तो सॉफ्टवेयर कंपनी गूगल में जाके काम करके देखना है, मुझे देखना है गूगल कैसे काम करती है, सो यहाँ पे स्टूडेंट को लिबर्टी मिलेगी और उसको जो ये जल्दी नॉलेज है जिससे वो आगे फ्यूचर में पैसे कमा पाएगा वो जल्दी मिल जाएगी। सो इससे दोस्तों यहाँ पे एक एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिलेगा क्योंकि स्टूडेंट को बहुत जल्दी समय से ही यहाँ पे पता होगा कि काम करना कैसे है। अभी तक क्या होता है दोस्तों कि बच्चा 12th पास करता है, 12th के बाद ग्रेजुएशन करता है जब तक वो 23-24 साल का हो चुका होता है, उसके बाद जाके वो उसको मौका मिलता है कि वो इंटर्नशिप करे या फिर कोई बिजनेस में जाके काम करके देखे। और यही वजह है दोस्तों कि इतने साल बाद उसको उस चीज का एक्सपोजर होता है कि वो कभी खुद का काम करने के बारे में या कुछ नया करने के बारे में सोच नहीं पाता क्योंकि उसके पास टाइम बहुत कम होता है। आप समझ रहे हो मेरी बात, अगर आप 24-25 साल के हो तो एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लाइफ में कुछ नया करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, नया सीखना, क्योंकि उस समय में आपके पास जिम्मेदारियां आनी शुरू हो जाती है। 24-25 में तो फिर भी कर लोगे, जब आप 28-29 साल के हो जाओगे तब दोस्तों नई चीज करने में बहुत मुश्किल होती है, डिफिकल्टी होती है। हालांकि मैं नहीं कहता आप कर नहीं पाओगे कोई नया काम, काम करने की कोई उम्र नहीं होती, बट उस समय में हमारी सोसाइटी में यहाँ पे बहुत सारे प्रेशर आपके ऊपर आने शुरू होते हैं, सो उस वजह से दोस्तों यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट इस वजह से भी पीछे रह जाते हैं, ठीक है। तो ये इंटर्नशिप की वजह से मुझे लगता है कि एम्प्लॉयमेंट जो यहाँ पे एक्टिविटी है, एम्प्लॉयमेंट जो सीन है इंडिया में वो बढ़ेगा क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है जल्दी स्टेजेस में बिजनेस में एक्सपोज हो जाएंगे। अब बात करते हैं जॉब्स की कि क्या जॉब ज्यादा मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखो एक बात समझ लो, जॉब जो है डायरेक्टली बिजनेस से रिलेटेड है। जिस देश में ज्यादा बिजनेस होंगे उस देश में कभी भी जॉब की कमी नहीं होगी क्योंकि सबके लिए रिक्वायर्ड काम होगा।
राइट right? और जिस कंट्री में बिजनेसेस ही कम है, सारे जॉब के पीछे भग रहे हैं, सो वहाँ पे तो जॉब की कमी होनी होनी है. सो ये एजुकेशन पॉलिसी अगर अपने करिकुलम को बिजनेस ओरिएंटेड रखता है, अभी तो करिकुलम पूरा डिजाइन हो रहा है, आने वाले समय में जो है जो नोटिफिकेशन आएगी उसको हम आपको बता देंगे, बट अगर बिजनेस फोकस्ड है, जो कि मुझे लगता है क्योंकि इंटर्नशिप वगैरह चीज़ों को इंट्रोड्यूस किया है, प्रैक्टिकल नॉलेज को इंट्रोड्यूस किया है, जिससे बिजनेस को बूस्ट मिलता है. सो आने वाले समय में अगर इंडिया ज़्यादा बिजनेसेस को प्रोड्यूस करता है, स्टार्टअप ज़्यादा होंगे, तब हमारे देश में जॉब्स की कभी कमी नहीं होंगी. दोस्तों आज की डेट में जॉब्स की कमी क्यों है, क्योंकि सारे ही जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं. सबको ऐसी लाइफ चाहिए जहाँ पे बैठे बैठे उसको 1,00,000 रुपये महीना मिल जाए, सो वो सोचता है कि मेरी ज़िंदगी सफल हो गई. सो ऐसा नहीं सोचो, कुछ ना कुछ जल्दी स्टेजेस में शुरू कर दो. जितना जल्दी काम करना शुरू करोगे उतना फ़ायदा होगा. सो दोस्तों आज का वीडियो इतना ही. उम्मीद करता हूँ कुछ आपको आइडिया होगा आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है. फ्यूचर बहुत एक्साइटिंग है, आपको मेहनत करनी है, आपको लगना है, आपको अच्छा कमाना है. अगर आप अच्छा कमाओगे तो आपका घर सुधरेगा, घर की ग्रोथ होगी. अगर घर की ग्रोथ होगी, अगर हर इंसान के घर की ग्रोथ होती है इंडिया में, तो देश की ग्रोथ तो होनी होनी है. ठीक है जी, तो अपने घर पर ध्यान दो, अपने घर को ऊँचा लाओ, उसका लेवल उठाओ. अगर आज कम पैसे हैं तो सोचो कैसे आप आगे बढ़ना है, कैसे ज़्यादा पैसे कमाने हैं, कैसे अपने घर की ग्रोथ करनी है. राइट है. सो जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, आने वाले समय में और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसीज के बाद, क्या क्या रेपरकशन होंगे, क्या क्या चीज़ों में बदलाव होंगे, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया ना कि चैनल पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम से फोल्डर मिल जाएगा, उसको जाके चेक कर लेना. उसमें जितने भी वीडियोज़ होंगे हम अपडेट करते रहेंगे. तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूँ. उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हुई होंगी. अगर आपके कोई डाउट्स है, कोई यहाँ पे आप सवाल मुझसे पूछना चाहते हो, तो हमें आप नीचे कमेंट सेक्शन पे लिख के बता सकते हो, या फिर आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे. इंस्टाग्राम पे तो करी, मैं वहां पे ज्यादा एक्टिव रहता हूं. सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करता हूं. जल्दी अगले वीडियो में आप लोगों से मुलाकात करता हूं. तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत. 9th क्लास तक होगा उसको प्रेपरेटरी स्टेज कहा गया है. इसके अलावा 9th से लेकर 12th तक जब बच्चा आएगा उसको सेकेंडरी स्टेज कहा गया है. राइट. अब आप कहेंगे कि यार पहले भी तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्लासेस होती थी, अभी क्या बदलाव है? तो अभी बदलाव दोस्तों सबसे बड़ा ये है कि अब जो एग्जाम्स है वो ऐसा उम्मीद की जा रही है कि अब थर्ड फिफ्थ और एट्थ में ही एग्जाम्स होंगे. बाकी जगहों पर, बाकी सालों पर यहाँ पे जो स्टूडेंट को असेसमेंट के बेस पे पास कर दिया जाएगा. सबसे बड़ा बदलाव ये है दोस्तों कि यहाँ पे जब बच्चा स्टूडेंट जो है प्रेपरेटरी स्टेज पे होगा, तब से इंटर्नशिप को यहां पे इंट्रोड्यूस कर दिया गया है. इंटर्नशिप का क्या मतलब है भाई, कई लोगों के दिमाग में क्वेश्चन होगा, तो यहां पे मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप किसी कंपनी में इंटर्न लगते हो तो यहां पे आपकी सैलरी तो थोड़ी कम होती है, हम उसको सैलरी भी नहीं कहते, हम उसको स्टाइपेंड कहते हैं. तो यहां पे सैलरी कम होती है, बट आप एक्सपीरियंस के लिए उस कंपनी में काम करते हो कि काम होता कैसे है. मैं अपने पुराने वीडियोस में भी कह चुका हूं कि इंटर्नशिप स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है और उसको अर्ली स्टेज में इंट्रोड्यूस करना चाहिए. और वही चीज को भी किया गया है कि अब बच्चा जब यहां पे 6th के बाद वो इंटर्नशिप में पार्टिसिपेट कर सकता है, कंपनीज में जाके काम करके देख सकता है, उसको पूरा टाइम मिलेगा इस चीज का स्कूल की तरफ से. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके बारे में मैं आने वाले समय में डिस्कस भी करूंगा. इसके बाद जो है आपका सेकेंडरी स्टेज में जो है आपका 9th, 10th, 11th, 12th होगा. और ये भी कहा जा रहा है दोस्तों कि अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ यहां पे साइंस वाला स्टूडेंट कॉमर्स नहीं कर पाएगा या आर्ट्स वाला स्टूडेंट साइंस नहीं कर पाएगा. अब कोई भी स्टूडेंट कोई भी सब्जेक्ट करने की उसको लिबर्टी मिलेगी. हालांकि ये इतना बड़ा टॉपिक है ना दोस्तों कि हर टॉपिक पे एक सेपरेट वीडियो बनने चाहिए. तो मैं क्या कोशिश कर रहा हूं अभी कि मैं इन सभी टॉपिक्स पे, जैसे कि आफ्टर 12th न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो कॉमर्स स्टूडेंट है उनके लिए क्या मौके रहेंगे, साइंस स्टूडेंट के पास क्या मौके रहेंगे, आर्ट्स स्टूडेंट के पास क्या मौके रहेंगे, फ्यूचर में किस तरीके की एजुकेशन होगी, उन सारी चीजों पर डिटेल में अलग अलग वीडियोज बनाऊंगा चैनल पर. आप लोगों ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी का नाम का मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट सेक्शन पे एक फोल्डर बना दूंगा, उस पर जितने भी वीडियो न्यू एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड आएंगे उसमें मैं अपडेट कर दिया करूंगा. सो यहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं. ठीक है.